चश्मे जो गॉगल्स लगाया आपने आज, बर्बरी बर्बरी लोग बर्बरी बातें, कैसा लगत मलाड में आके, ये तो मेरा घर है यार। ऐसे कोई पूछता है क्या घर आके कैसे लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। आप बताएं क्या क्या प्रोग्राम हुआ आज? बहुत ज्यादा बढ़िया प्रोग्राम हुआ। टूट गई गिल्ली, टूट गई। हाँ। इनका क्या टूटा वो बता भी नहीं सकता मैं। आपकी तो फिलहाल सिर्फ गिल्ली टूटी है। अरे योगेश जी आए, योगेश जी, योगेश जी के लिए तालियां। ब्राइट आउटडोर्स के मालिक योगेश जी, वेरी नाइस टू मीट यू सर। आजकल तो आप लेफ्ट देखो राइट देखो, सिर्फ हर होल्डिंग पे सिर्फ सर्कस ही सर्कस है। जिंकी जी, मिंकी जी, हां जी सर, पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। रणवीर सिंह सर हैज कंप्लीटेड 12 इयर्स इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। बिग बिग कंग्रेचुलेशंस गाइस, एक बार हो जाए 1 2 3 हिप हिप हुरे। बारह साल कंप्लीट हो, एक बार साथ में कहेंगे रणवीर रणवीर रणवीर। थैंक यू। 12 साल, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। दिसंबर का महीना मेरे लिए हमेशा लकी रहा है, होपफुली इस बार भी रहेगा, क्योंकि दिसंबर 23 को आ रही है सर्कस। आप माइक में बोलो मैडम, कौन सी फिल्म आ रही है दिसंबर 23 को? सर्कस, कम ऑन, गिव इट अप। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपने रोहित शेट्टी सर की फिल्में जरूर देखी है, मुझे पता है। किसने नहीं देखी है? क्या आपने गोलमाल देखी है? गोलमाल रिटर्न्स देखी है? गोलमाल 3 देखी है? गोलमाल अगेन देखी है? फिर सर्कस आपको पक्का देखनी चाहिए। माइंड इज ब्लोइंग है। ट्रेलर के एंड में आप देखना, थोड़ा सा हिंट ड्रॉप किया है सर ने,
आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी है, सिंघम देखी है, सूर्यवंशी देखी है, सिम्बा देखी है? सर देखो सर, आपकी पिक्चर लगती है कोई छोड़ता ही नहीं है। जाते जाते संडे के संडे हमारे बड़े भाई आपसे कुछ कहते हुए आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर वही कहूंगा, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए, इतनी देर से खड़े हैं हमारे लिए। एंड 23 दिसंबर को रिलीज हो रही है सर्कस, जितना प्यार आपने मेरी बाकी फिल्मों को दिया है उतना ही सर्कस को भी देना, एंड यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। थैंक यू, थैंक यू मलाड। बोलू सर? कुछ भी बोलो। देखिए दोस्तों, मैं अभी रोहित भाई से वही बात कर रहा था, 30 साल पहले रोहित भाई हमारे साथ यही वर्कआउट करते थे और साथ ही में रहते थे, मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, हम लोग दोनों यहीं से शुरू किए और दोनों यहां तक पहुंचे, दोनों मैं भी मिनिस्टर बन गया। ये तो भाई एनर्जी देखे, आज तो आप लोग की एनर्जी बढ़ी हुई थी मेरे ख्याल से इनके वजह से। भाई क्या रात में और दिन में, मतलब इतनी एनर्जी आप समझ सकते हो ना भाई। तो रोहित भाई तो सर्कस बना रहे, लेकिन बेसिकली इस इंडस्ट्री के शेर है, शेर है शेर। कोई फिल्में एक जमाने में एक के बाद हार्डली दूसरी हिट हुआ करती थी, नीचे से ग्राफ चढ़ा तो सीधा रॉकेट की तरह जाता है। इसलिए मैं रोहित भाई को और रणवीर भाई को, ये भाई 200 फिल्में बनती है सर साल में, और हिट होती है 10, 5, 7, ऐसा मार्जिन है हिट मार्जिन। उसी तरफ ये आदमी, टचवुड यार, टचवुड टचवुड, 15 साल से लगातार हिट पिक्चरें दे रहा है रोहित शेट्टी। मजाक बात नहीं है भाई, 15 साल से हिट के बाद हिट के बाद हिट, सिम्बा के बाद, सूर्यवंशी के बाद, सर्कस। थैंक यू यार, थैंक यू। इतनी एनर्जी आई है, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो प्यार शेट्टी साहब से बना के रखे हैं, और उसके बाद में मेरे ख्याल से आज की इंडस्ट्री में हकीकत में जो सुपर सोनिक सुपर एनर्जी लेके चलते हैं, और इस मलाड मस्ती को अलग एनर्जी पे ले जाने के लिए मैं दोनों भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और इनकी पिक्चर में डेफिनेटली बोलता हूं, रोहित भाई मैं तो कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन अच्छे अच्छे भी अपने सामने ऐसे हो जाते हैं जैसे रोहित भाई के सामने होते हैं। तो ये पिक्चर जो है अलग लेवल पे जाएगी, रणवीर भाई जबरदस्त जब आंकड़े पार करेगी ना सारे, फिर आके यहाँ पे अगले साल परफॉर्मेंस देना पड़ेगा नई पिक्चर के साथ। चलो मैं चाहूंगा अब हमारे जो कर्ता धरता है आए, हमारे दोनों दोस्त दोनों भाइयों को फेलिसिटेट करें प्लीज।
तो अगर आप इनसे वादा मांगोगे कि रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम के लिए भी दे विल बिहेव वेल, तो आपको मना नहीं करेंगे। मुझे लगता है वादे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वादे की तो वो पक्के लग रहे हैं। तभी यहाँ पे सुबह सुबह संडे को आए हैं। सो थैंक यू, बस ऐसे ही रहिए। ऐसे को सभी बहुत सारे और गेस्ट हैं, तो आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट चाहिए हमें। थैंक यू सो वेरी मच आकांक्षा फॉर योर टाइम एंड ग्रेसिंग द ओकेजन। कैन आई रिक्वेस्ट मोना? हमारा परफॉर्मेंस लास्ट वीक था, आज हम होस्ट करने हैं मलाड मस्ती और हम दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। इस अपॉर्चुनिटी को हम दोनों को एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। अभी आने वाले हैं, अभी तो लास्ट टाइम से क्राउड आज तो ज्यादा ही हाइप है, बट यू नो एमवे बनता है ऑब्वियसली, बट उन्होंने पूरा हाइप कर दिया मामला, पूरा मलाड मचाएंगे तो सच में मचेंगे। मचा दिया, बहुत अच्छे से मचाया, बट अभी और मजा आने वाला है बिकॉज़ रणवीर सिंह आर अबाउट टू कम एंड रोशन आर अबाउट टू कम, सो इट्स लाइक वी आर वेटिंग फॉर देम इन वेरी एक्साइटेड। हम उनसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे। हम बहुत मजा आया एक्चुअली। अभी भारती मैम ऑन स्टेज जाने वाली है, लास्ट तक और क्या चाहिए, अब आप सब हंस के पागल होने वाले हैं एंड ऑब्वियसली हम फॉलो। एक्चुअली हम सुनते सब है, अभी हमने सुना है गाने जो चल रहे हैं बहुत सारे, बट एक्चुअली सारे रैप आजकल ये रैप बहुत चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आती है मलाड मस्ती, मलाड लोगों को जितना भी यहाँ पे क्राउड आता है उनमें एनर्जी बहुत होती है और बहुत मजा आता है सबके साथ इंटरेक्ट करने में। और इस बार इस इवेंट का जो सबसे मेन टॉपिक था वो है चाइल्ड अब्यूज को लेके। बहुत ही नोबल कॉज है असम सर ने जो लिया है चाइल्ड अब्यूज को लेके, कि हम सबको यू नो चाइल्ड अब्यूज की अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहिए नॉट ओनली इंडिया अक्रॉस द ग्लोब। इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ इंटरेक्ट करूँ। चाइल्ड अब्यूज जैसे मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बात की जा रही है, कितना जरूरी मानते हैं आप इस तरह का अवेयरनेस? बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा जो मैसेज दिया जा रहा है मलाड मस्ती जैसे इतने बड़े इवेंट के द्वारा, असलम सर के द्वारा, जो चाइल्ड अब्यूज़ है ये बहुत हमारे जो समाज में ये जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लोग शर्माते हैं। मेरे ख्याल से सबको ये अवेयर होना चाहिए, हमारे घर में भी हम सबको अपने बच्चों को अपने से छोटों को ये समझाना चाहिए, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में अवेयर करना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टू टॉक अबाउट इट लाउडली, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू असलम सर फॉर दिस अमेजिंग इनिशिएटिव। आपका अनुभव किस तरह रहा क्राउड में परफॉर्मेंस करने का और क्या सक्सेस का कारण मानते हैं मलाड मस्ती का? मैं पहली बात तो सक्सेस का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि ये पांचवा साल है मलाड मस्ती का और हम सब क्राउड देख सकते हैं कितना अच्छा क्राउड आया हुआ है, कितने अच्छे लोग आए हुए हैं और इतने नोबल कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस फॉर मलाड मस्ती एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड एंड असलम सर फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस। आपकी बात जो है हो जाए सच, हम भी दिख जाएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा एक साथ पर्दे पे दिख के एंड बहुत जल्दी। फिलहाल जितना मैंने अभी बीच बीच में देखा है मुझे सब में से अब्दू और एमसी बहुत अच्छे लगते हैं। सो वो बहुत अच्छा लगा मुझे एंड दे आर प्लेइंग अ वेरी नाइस एंड फेयर गेम, तो मतलब उतना ही फॉलो किया है तो मेरे हिसाब से तो अभी मेरे फेवरेट हुई। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, नया साल आ रहा है, अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस बनाइए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे रेजोल्यूशन बनाइए, उन्हें कंप्लीट कीजिए और 2023 को अपना बनाइए। इनिशियलाइजेशन बाय हमारे असलम जी, असलम जी बहुत खास भाई हैं मेरे, मेंटर हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आज का मुद्दा हम लोग आज आए हैं ये पिछले 5 साल से चल रहा है, इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट एज यू कैन सी कि क्राउड जिस हिसाब से संडे मॉर्निंग उठ के आता है
goes to show कि how much they love this event. और चाइल्ड अब्यूज के बारे में जो आज हमारा ये ड्राइव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में हमारे यूथ कैन ओनली मेक द डिफरेंस, क्योंकि जो आने वाली हमारी जनरेशन है दैट इज आवर यूथ एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू टेक द लेगेसी अहेड. जो भी हमने आज तक किया है, जो भी हमने हमारे देश को आज तक बनाया है, वो हमारी यूथ आगे लेगेसी लेके जाएगी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम हियर टू सपोर्ट दैट. वेल, बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई जस्ट कैन टॉक अबाउट इट क्योंकि मैं एक फाउंडेशन में हूँ, बट द ऑडियंस विल सी मी एंटरटेनिंग देम अ लॉट दिस ईयर इंशाल्लाह. सो हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा पिकी एंड चूजी हूँ, बट यस इंशाल्लाह यू विल सी मी इन अ रियलिटी शो टू. नहीं यार, क्या है ना, मैं अपने आप को अभी भी उतना काबिल नहीं मानता कि मैं बैठकर किसी और को जज करूं. ये लोग मानते हैं कि मैं काबिल हूं, तो लेट्स सी, व्हाटएवर आई फील आई विल डू इट. फॉर ऑल द फैंस फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेलिब्रेटिंग द हॉलीडेज, बी सेफ, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, स्प्रेड अ स्माइल, क्योंकि द स्माइल इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी. सो कीप स्माइलिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल. बस यहाँ पे आए, वो भी रविवार को, संडे को. सो थैंक यू आने के लिए. एंड फिफ्थ ईयर है, फिफ्थ एनिवर्सरी है, और एक गैप के बाद मलाड मस्ती आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मैं हिस्सा बन पाई. एंड थैंक्स टू असलम जी, उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं. एंड हमेशा एक स्पेशल कॉज के लिए होता है, इस बार चाइल्ड अब्यूज के लिए है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इतनी पब्लिक है और कुछ लोग यहाँ सुबह 5:30 बजे से आए हैं. ये एनर्जी देख के, वो एक अच्छे कॉज के लिए, वो भी संडे को सुबह सुबह, बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग अस, एंड थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू. जी सरप्राइजेस जो आ रहे थे उन्हें मैंने मना कर दिया, तो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझे एक रियलिटी शो में, वो अभी नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा किसी चीज की शुरुआत करो तो बिगनिंग से करना चाहिए, बीच में क्या है. और बाकी जो मेरी सीरीज आ रही है वो जनवरी में है और दिसंबर, और अभी मेरे गाने को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, दुआ करो को, तो थैंक यू गाइज. हमेशा मजा आता है, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं. कुछ भी, मेरा लुक आप लोग को बहुत अच्छा लगा, पहली बार एक मुस्लिम लुक था मेरा, एंड वो नमाज का लुक सबको बहुत अच्छा लगा. सो थैंक यू, एंड ऐसे कुछ नया नया देखते रहेंगे आप लोग. थैंक यू. यार मैंने इस बार बिग बॉस काफ़ी कम फॉलो किया है, एंड मुझे लगता है इस बार बिग बॉस का बस मुझे थोड़ा पर्सनली कम लगा. एंड काफ़ी कंटेस्टेंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, अभी कुछ वाइल्ड कार्ड्स तड़का लगाने के लिए भी आ गए हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कुछ लोगों का गेम. एंड आई होप, देखिए मे द राइट पर्सन विल. जो अगर सुन रहे हैं वो मौका दे तो प्लीज़ वाइल्ड कार्ड में ना दे, क्योंकि मैं वाइल्ड कार्ड में तो नहीं आऊँगी. सो थैंक यू, बट हमेशा बिग बॉस वालों को एंड एंडमॉल वालों को हमेशा मुझे याद करने के लिए, बट मौका मिलेगा तो जाएंगे, पर डे वन से बीच में. मेरी मेरी क्रिसमस गाइज, यही वाइब रखी है. फाइनली लॉकडाउन के बाद हम लोग ये चीज़ें बाहर आके सेलिब्रेट कर पा रहे हैं. सो मेरी क्रिसमस इन एडवांस एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइज, हैव अ वंडरफुल न्यू ईयर, लव यू ऑल. More than a pleasure, it was a privilege to be here. Not because of my achievements or whatever, but because I was able to address such an enthusiastic crowd that we have that day. It's the most amazing crowd I've ever had in my life. I've been to a lot of events, but Malad Masti is one of the best ever. I think it's not only representing the enthusiasm of India, but I think it could just reach Asian level very soon. So yeah, my friend Jay is one of the organizers. And Aslam sir, I think he's doing incredible, that he's always done. I was the one who felicitated him, and when I got to know about it, I was really enthusiastic about it, because I was looking forward to it. I've been a huge MMA fan. In fact, let's hope I get featured in one of the series. Oh yes, my web debut has just released. It's called Tu Zakhm Hai on MX Player. And my Hindi feature film as a debutant, as it will be out in a couple of months. It's called Leela Manju. So I'm really looking forward to it. It's actually India's first film on drag race and LGBTQ community, which
majorly needs a representation these days. Thank you so much. लेकिन भूखे प्यासे खड़े हैं सिर्फ सर्कस की टीम के लिए। रोहित सर, रणवीर सर आ चुके हैं, एक बार जोर से चिल्लाओ ताकि वो यहाँ पर आए। ये नहीं भाई, इससे अच्छा तो मक्खियां जाती, उनकी आवाज होती है। कैसे आएंगे, वो फर्स्ट टाइम मलाड में आए हैं। 3, 2, 1 गो। आ रहे हैं भाई, मैं खींच के नहीं ला सकता, बहुत जल्दी आ रहे हैं।